नमस्कार, मैं आज आपको मेडिसिनल यूजेज ऑफ हल्दी के पार्ट फोर्थ में टीथ की हर तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए, साथ में कैंसर जैसे रोग को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ना हो उसका बचाव कर सकते हैं, उसमें हल्दी का कैसे उपयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, साथ में हल्दी आपको किन रोगों में नहीं लेनी है बताने जा रहा हूँ, आप उसको जरूर से बोलो। इसी प्रकार से टीथ की समस्याओं को दूर करने के लिए भी हल्दी अपना अहम रोल अदा करता है। दांतों की दो प्रकार की समस्याएं होती है। पहली समस्या दांतों का क्षरण होना, जो कि एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसके अंदर दांतों की ऊपरी सतह, जिसे इनेमल कोटिंग कहते हैं, गलने लग जाती है, जिससे दांत कमजोर होने चले जाते हैं और उसकी ऊपरी सतह पर खरोंचे आने लगती है। तो दूसरी समस्या है कोटर होना। इसके लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। ये बैक्टीरिया न सिर्फ इनेमल में सुराख बनाते हैं, बल्कि दंत धातु की अंदरूनी सतह को भी क्षतिग्रस्त करते चले जाते हैं। जिन दांतों पर बैक्टीरियों का हमला होता है, उसका रंग पीला पड़ जाता है तथा उनका आकार भी बदल जाता है। इनेमल की सतह भी पतली होती चली जाती है। अगर आपको इन दोनों समस्याओं को दूर करना है, तो आप हल्दी से बने टूथपेस्ट का, जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी फिटकरी को तवे पे फुलाकर उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब इसमें समान मात्रा में हल्दी का पाउडर व समान मात्रा में सेंधा नमक मिलाकर इन तीनों को कपड़े से छान कर उसमें लौंग का तेल तथा सरसों का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार अंगुली से थोड़ा सा पेस्ट लेकर दांतों पर लगाकर 5 मिनट तक इसे रहने दें। फिर साफ पानी से कुल्ला कर लें। अब एक बार दांतों को टूथब्रश के साथ फिर से हल्के हाथों से रगड़ें और अब दांतों को फिर से अच्छे से धो लें। ये दांतों की हर तरह की समस्या का समाधान कर देता है, चाहे वो जिंजिवाइटिस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका डेंटल कैरीज हो, चाहे आपके सेंसिटिविटी ऑफ द टूथ हो, हर तरह की समस्याओं का निवारण करती है। इसी प्रकार से कैंसर जैसे रोग के लिए हल्दी रामबाण औषधि का अचूक औषधि का काम करता है। कैंसर को रोकने के लिए हल्दी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स विभिन्न टिश्यूज से मिलकर बनते हैं और ये टिश्यूज अनेकों प्रकार के सेल्स से मिलकर बनते हैं। नई सेल्स का लगातार बनते रहना और उसका नष्ट होते रहना तथा उनके स्थान पर पुनः नई सेल्स का निर्माण होते रहना, ये हमारे शरीर में होने वाली सामान्य प्रक्रिया है। परंतु यदि किसी भी कारणवश नई सेल्स का निर्माण होना अनियंत्रित हो जाए, तो ये सेल्स अपरिपक्व ही रह जाती हैं, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती है। इससे अनावश्यक, अनुपयोगी तथा अपरिपक्व इमैच्योर सेल की संख्या हमारे शरीर में बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसे में पुरानी सेल्स के तो नष्ट होने का सिलसिला चलता ही रहता है, परंतु इसके स्थान पर नई व उपयोगी सेल्स उतनी नहीं बन पाती। साथ ही साथ जो नवनिर्मित अनुपयोगी तथा अपरिपक्व यानी इमैच्योर सेल्स शरीर में एक स्थान पर एकत्रित होकर एक विषैले फोड़े को जन्म देने लगती है, यही कैंसर रोग कहलाता है। अब यह विषैला फोड़ा ही शरीर के अन्य भागों में फैलता रहता है। परंतु यदि समय रहते इसकी टेस्टिंग तथा ट्रीटमेंट करा लिया जाए, तो इस रोग को हम नियंत्रित कर सकते हैं। कैंसर से बचाव व नियंत्रण का सबसे कारगर उपाय यही है कि आप आवश्यक टेस्ट करा लें तथा अपने विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अन्य उपचार के साथ साथ हल्दी का, जिसमें करक्यूमिन नामक प्राकृतिक रासायनिक तत्व है जो एंटी कैंसरियस है, ये कैंसर से लड़ने वाला एक सुपर हीरो है, का भी सेवन मेरे बताए अनुसार करें। ये आपके शरीर को कैंसर से लड़ने की क्षमता देता है। इसका उपयोग आप ऐसे करें, इसके लिए आपको इसका चाय बनाकर पीना है। उसके लिए आप क्या करें कि 1 कप पानी में 1/4 टीस्पून कच्ची हल्दी घिसकर या इसका सूखा हुआ पिसा हुआ पाउडर तथा साथ में 1/4 टीस्पून अदरक का रस, 3-4 पीसेस ऑफ काली मिर्च,
और प्लस 4 to 5 पीस ऑफ तुलसी, इनको उबालकर छान लेवे। इसके बाद इसमें आप एक नींबू का रस और 2 teaspoon ऑफ हनी शहद मिलाकर दिन में 2 बार सुबह शाम खाली पेट लेवे। इसके अतिरिक्त यदि कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हो, तो भी आप कच्ची हल्दी को किसी भी जूस में मिलाकर पी सकते हैं। कच्ची हल्दी को सलाद में या बिना तेल का नींबू व अदरक रस में पतले पतले स्लाइस काट कर अचार बनाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इन सब बातों में हल्दी रामबाण औषधि का काम करता है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसमें आपको हल्दी का उपयोग कम करना चाहिए या फिर अपने चिकित्सक से पूछ कर ही इसका उपयोग करें। जैसे कि पहली बात यह है कि हल्दी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे लंबे समय के लिए आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, वैसे तो हल्दी का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद है जैसा कि आपको मैंने बताया, परंतु इसका किडनी स्टोन होने पर सीमित मात्रा में इसका सेवन करो, क्योंकि इसमें ऑक्सेलेट होता है जो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सेलेट जो अघुलनशील है बना देता है, जिससे आपकी किडनी स्टोन की समस्या बढ़ सकती है। उसी प्रकार से जॉन्डिस होने पर भी इसका सेवन आपको कम करना चाहिए। लंबे समय तक अगर लगातार ज्यादा हल्दी का सेवन करते हैं तो इससे आयरन की कमी होने भी लग सकती है, जिससे एनीमिया जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हल्दी में एंटीकोगुलेंट यानी ब्लड क्लोट्स को रोकने वाला गुण होता है। ऐसे में यदि आप कोई भी ब्लड थिनिंग दवाएं लेते हैं तो हल्दी का उपयोग आप अपने चिकित्सक से सलाह लेकर ही इसका उपयोग करें। यदि आप कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी ले रहे हो तो उस वक्त भी आप हल्दी का सेवन कम करने की कोशिश करें। ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, तो भी हल्दी का उपयोग आप सीमित मात्रा में करें। इन सबको आप अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करें तो बहुत अच्छा रहता। तो इस प्रकार से आपको मैंने अभी हल्दी की मेडिसिनल यूजेस के बारे में बताया। मैं समझता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसे ज़रूर से उपयोग करना, आप सभी लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। और जिनको इस प्रकार की समस्या है आप प्लीज़ उनको भी नुस्खों के बारे में बताना, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। मेरा जीवन का यही लक्ष्य है कि सब स्वस्थ रहें, चाहे वो तन से हो चाहे मन से हो। नमस्कार, धन्यवाद।